बहन के साथ डांस करती सिमरन, अपने डॉगी के साथ बीच पर मस्ती करती सिमरन, पापा की दुलारी लेकिन है बड़ी ही संस्कारी, अपने घर को परियों और सॉफ्ट टॉयज से सजाया है, जानवरों से बेहद प्यार है, अपने घर की हर फैमिली मेंबर को करती है प्यार, और पर्दे पर सीरियल नजर में पिया की बहन बनकर करती है इमोशंस का इजहार। सास बहू और बेटियां आज आपको मिला रहा है सिमरन बुधारूप से, जिन्हें आप देखते हैं सीरियल नजर में बतौर सावी। भाई पर्दे पर तो ये डायन चुड़ैल इनका पीछा छोड़ती नहीं, लेकिन रियल लाइफ में ये जीती है परियों की दुनिया। सर पर परी का ताज बनकर देखिए अपने घर को कैसे परियों की तरह सजाया है। भाई ये मुंबई की लड़की है, अपनी गाड़ी खुद चलाती है, घर से सेट तक का सफर करती है, मुंबई के बीच पर मस्ती करती है, नारियल पानी पीती है और साथ साथ रसोई में अपना नाश्ता खुद बनाती है। भाई आजकल की लड़कियों को किसी की जरूरत नहीं, और ऐसी ही लड़की है सिमरन। तो सिमरन को और करीब से जानने के लिए आज हम उनके साथ करेंगे डे आउट, देखेंगे सिमरन का घर, मिलेंगे उनकी फैमिली से, देखेंगे कि सिमरन ने अपने घर को कैसे सजाया है, उनकी फैमिली में कौन कौन है और कैसे वो छुट्टी वाले दिन बीच पर करती हैं अपनी छुट्टी का पूरा इस्तेमाल। भाई इसके लिए हम सुबह सुबह सिमरन के घर पहुंचे, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। Hey, good morning. Hi, please come in. Hi. So, hi, मैं हूँ सिमरन बुधारप और आप मुझे देखते हो नजर में एज सावी जो डायन को हंट करती है, दो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ शो में पर मैं डायन को हंट करती हूँ। और आज सास बहू और बेटियाँ आए हैं हमारे घर में, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने पूरे दिन में क्या करती हूँ, तो घर से लेकर सेट तक का मेरा सफर आज आप देखिए। भाई सिमरन मुंबई में अपने पापा बहन और मम्मी के साथ रहती है और साथ साथ इनके घर की हाउस हेल्प भी है इनके दिल की बहुत करीब। तो चलिए मिलते हैं सिमरन की हैप्पी फैमिली से। तो ये जो लड़की है जिसको ऐसे ब्रेसेस लगे हुए हैं, ये है मेरी छोटी सी बहन और ये मुझे छोटी मम्मा बुलाती है एंड ये बहुत शैतान द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेडी ऑफ माई लाइफ। मेरी मॉम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, इन्होंने मुझे जब से मैं छोटी थी तब से संभाला है, खाना भी बनाती है मुझे जो कुछ चाहिए होगा सब। मैं जब से इतू सी थी मैं उनके मतलब माई मॉम यूज़ टू वर्क सो शी वॉज द ओनली पर्सन यूज़ टू टेक केयर ऑफ मी एंड मेरी पूरी ज़िंदगी है ये। तो मेरे डैडी को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, एज यू कैन बहुत रोज जाते हैं जिम एंड ही कीप्स ऑन यू नो फोर्सिंग मी तू भी जिम जा। तो इसके लिए मेरी भी बॉडी बनी हुई है, डैडी थोड़ी बॉडी दिखाओ, देखा मेरी ज़्यादा है। मैं तो वही इसे कहता रहता था कि भैया ये काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है वेटरनेरियन, तो आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप यू नो आपको लगता है कि यू नो उसमें मजा आएगा, लाइफ जी सकोगे। तो देन यू नो शी गॉट द पॉइंट यू नो लेटर एंड देन शी स्टार्टेड एंड आई एम प्राउड ऑफ हर, शी इज अ गुड किड। सिमरन की मॉर्निंग की शुरुआत होती है अपनी छोटी बहन के साथ इस डांस एकम एक्सरसाइज के साथ। अब चलते हैं सिमरन की किचन में जहाँ आज वो अपना नाश्ता बनाने वाली है। तो मैं बनाती हूँ आज का ब्रेकफास्ट एंड तो जैसे मैंने बताया था हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो हम ऐसा ही खाना खाते हैं, ओट्स ब्राउन राइस। तो आज हम ओट्स बनाते हैं, ठीक है ब्रेकफास्ट में। भाई ये बनाएंगी हेल्दी ओट्स और इनकी रेसिपी बहुत ही अलग है। मैं रोज ओट्स खाती हूँ, दूध खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। आई नो मुझे देख के लगता नहीं है पर हाँ इतना सारा मैं खाती हूँ। तो और सुबह सुबह मेरी मम्मा तो चली जाती है ऑफिस, तो मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट अपने लिए एंड ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 10 बार बोलूँगी ब्रेकफास्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सो अभी हम बना रहे हैं ओट्स. इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स ताकि हमें एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स खाने की ज़रूरत ना पड़े. और फिर हम डालेंगे इसमें दूध और शुगर की जगह हम डालेंगे हनी. सो इट विल गिव यू द टेस्ट, स्वीट स्वीट टेस्ट, बट देन यू डोंट हैव टू एक्चुअली टेक शुगर के कार्ब्स विच आर नॉट गुड. Including oats is a best way of having breakfast, so that you know it gives you carbohydrates, it gives you protein, because hum isme dry fruits bhi dalte hain to aapko protein bhi mil jata hai. And eating eggs in the morning, people who are non vegetarian, they can eat eggs in the morning, it really gives you 30 grams of protein. So ye oats hai, so I'm sure yum hai. Khushi experiment karegi. प्लीज़ जा, प्लीज़ मुझे मरना नहीं है. सो इसके साथ मैं बहुत सारे फ्रूट्स खाती हूँ. आई गिव यू ना फ्रूट्स एंड आवर ब्रेकफास्ट इज रेडी. सिमरन अपना नाश्ता अपने घर के इस फेवरेट कॉर्नर में करती है, जहाँ पर सुबह की ताज़ी हवा मिलती है और साथ साथ नाश्ता भी हो जाता है. ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है घर का, बिकॉज यहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिखता है एंड सुबह सुबह ऐसी फ्रेश एयर. जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे बिल्कुल भी हसल बसल नॉइज़ वॉइस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और एकदम शांति हो. यहाँ पे कभी कभी बहुत सारे पैरट्स आके बैठते हैं, कोयल आके बैठती है, पिजन्स आते हैं और बहुत शांति मिलती है. दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस एंड मेरे घर पे जो मेरी फेवरेट प्लेस है, तो मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ रोज़. अब जरा घूमते हैं सिमरन का घर और देखते हैं कि उनके घर में क्या क्या स्पेशल है. टंटरान, ये है मेरा रूम और मुझे सॉफ्ट टॉयज का बहुत बहुत ज्यादा शौक है, तो मेरे पास बहुत सारी सॉफ्ट टॉयज है. यहाँ पे टाइगरू है, फिर यहाँ पे इतने सारे सॉफ्ट टॉयज है एंड बहुत, मतलब मुझे जो भी सॉफ्ट टॉयज गिफ्ट करेगा ना, मुझे बहुत पसंद है वो. मैं अब तक पढ़ रही हूँ, मैं अब तक कॉलेज में हूँ, तो ये सारी मेरी कॉलेज की बुक्स है. मुझे सॉफ्ट टॉयज़ का बहुत ज़्यादा शौक है. मेरे पास ऑलमोस्ट 40 है, जो मेरी मॉम यहाँ पे वहाँ पे रखने नहीं देती है, बट अभी मैंने इतने रखे हैं. एंड ये मेरा फेवरेट है, जो मुझे एक स्कूल टीचर ने गिफ्ट किया था. एंड तो सबको पता है कि मुझे इतना पसंद है कि मेरे स्कूल टीचर्स भी मुझे सॉफ्ट टॉयज़ गिफ्ट कर रही है. एंड इसमें से ऐसे बहुत सारे सबने गिफ्ट ही किए हुए हैं सॉफ्ट टॉयज, और फिर मैं खुद के लिए भी खरीद लेती हूँ. अभी सबसे मेरा फेवरेट है ये, तो मुझे स्नेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरा सॉफ्ट टॉय भी एक स्नेक है. इस पर मैं सोती हूँ, ये डोबो सेज आई लव यू, वो सबको आई लव यू बोलता है. ये एक्चुअली मेरा नहीं है, ये खुशी का है, मेरी बहन है, उसका सॉफ्ट टॉय है. वो है, वो ऐसे ही सॉफ्ट टॉयज लेते हैं. मुझे एनिमल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. और ये एक मेरी बैग है, जो मैंने चाइना से लाई थी, और ये बहुत ही अजीबोगरीब बैग है, बट आई रियली रियली लव इट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई लाइक टाइगर. तो ये ऐसी एक बैग है. और हाँ, मैं ऐसे ही कॉलेज भी जाती थी, दो इट वॉज़ वेरी वियर्ड, बट मैं जाती थी. मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेंटिंग बनाई है शिव जी. आई एम अ बिग 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 शिव जी फैन, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ शिव जी का पेंटिंग, आई मेड दिस. एंड ये वो ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे मैं रेडी होती हूँ, और फिर सेट पे जाती हूँ, कहाँ पे भी जाती हूँ यहीं पे रेडी होती हूँ. यहाँ पे मैंने एक्चुअली लाइट्स लगाए थे, वो भी निकाले हुए हैं, फिर वापस लगाऊंगी. तो ये सारे मेडल्स मेरे स्कूल में मैंने अचीव किए थे, तो कुछ स्टेट लेवल है, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडल्स है.
I was a sports person. I used to play volleyball and football. Volleyball maine states tak khela hai aur football district. And I was a sprint runner, 100, 200 meters. और पहले मैं जाती थी पार्टिसिपेट करने, अभी मैं जाती हूँ जज करने. तो बहुत अच्छा लगता है. वैसे सिमरन का बाकी घर भी उनके मम्मी पापा ने बड़ी ही खूबसूरती से सजाया है. ये है हमारा ड्राइंग रूम और इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसे एंटीक एंटीक रखी है क्योंकि मेरे पापा को एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है. ये एक मेरा फेवरेट चैंडीलियर है जो हमने लाया था टर्की से. माय मॉम लव्स गार्डनिंग, तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे फूल पौधे उगा कर रखे हैं. एंड ये सबसे बड़ा मिरर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मुझे पूरा टाइम मिरर के सामने रहना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. मैं पूरा टाइम पूरा वक्त अपने आप को यहाँ पर निहारती रहती हूँ. एंड दैट्स द रीज़न दिस बिग मिरर. और मैं और मेरी बहन यहाँ पे पूरा टाइम डांस करते रहते हैं तो हमें मिरर तो लगता ही है. एंटीक पीस है जो हमने लाया था जयपुर से. और इसमें अब तक मैंने, मुझे नहीं पता इसमें राजा या रानी क्या कर रहे हैं, पर थोड़े दिन पहले ही मैंने नोटिस किया कि शायद वो उसको कुछ दे रही है, पता नहीं. सो हमने ये हमारे पापा को गिफ्ट की थी ऑन हिज 50th बर्थडे. तो माई डैड लव्स दिस रॉकिंग चेयर. ही ऑलवेज वॉन्टेड वन चेयर लाइक दिस. तो इसके ऊपर बैठ के बहुत मज़ा आता है. एंड यू कैन जस्ट चिल. ये यहाँ पे रख के हम चाय पीते हैं, थोड़े थोड़े नज़ारे देखते हैं. और मेरे घर से क्यू जाता है वहाँ पे. अपने पकौड़ा पता है, पकौड़ा के लिए क्यू जाता है. इफ़ यू नो पकौड़ा, यहाँ से मैं देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है. और यहाँ पे से व्यू बहुत अच्छा है. रात में वहाँ से फेरीज जाती है जिसमें पूरी लाइट्स लगी हुई होती है. बहुत पीस है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है. अब मेरी मॉम ने बहुत सारे यहाँ पे डेकोरेशन की है, जैसे ये सारी चीज़ें. सो लोग एवरी ईयर अपने घर पे गणपति बापा की मूर्ति लाते हैं, तो वो लाने के बजाय हमने ये परमानेंट मूर्ति लेके आए हैं जो इसी को वहाँ पे स्थापित करते हैं. सो दैट देयर इज़ नो पोल्यूशन, कोई मेस नहीं, बस यही लाते हैं और इसकी पूजा करते हैं. सो इट इज़ गुड, नेचर के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है. ये भी एक बहुत प्यारा सा लैम्प है जो मेरी मॉम ने लाया था और हम इसे ऐसे ही रखते हैं. दिस इज़ वन पीस दैट माई फादर गॉट फ्रॉम इटली. भाई सिमरन को जानवरों से बहुत प्यार है और उनके डॉगी का नाम है नॉटी. नॉटी तो ऐसे शांत शांत है, पर नॉटी इतना शांत रहता नहीं है. हेलो हाय नॉटी, क्योंकि बहुत नॉटी था बचपन में, अभी भी है वो नॉटी, बट आज वो थोड़ा सा शांत हो गया. ओ ए मूडी, ओ हेलो. और देखिए नॉटी घर में कितना नॉटी हो रहा है. तो अब तो ये हो गई हमारी घर की सैर. तो सेट पे जाने से पहले कुछ आउटिंग हो जाए, तो मैं फटाफट चेंज करके आती हूँ, हम जाएंगे बाहर. अब बारी है तैयार होने की और सिमरन नहा धोकर तैयार है. हाय, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हम आपको भी लेके चलेंगे. पर घर से बाहर निकलने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है. अच्छा, आज सिमरन का कॉल टाइम लेट है, इसलिए वो आज सास बहु और बेटिया के साथ अब मुंबई में अपने फेवरेट स्पॉट पर लेके जाएंगी. तो चलिए सिमरन के साथ निकल पड़ते हैं उनके घर से. घर को लॉक करके सिमरन ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी स्टार्ट की, अपने डॉगी को गाड़ी में बिठाया और निकल पड़ी मुंबई के अक्सा बीच की ओर. सिमरन रहती है मुंबई के कांदिवली इलाके में और इनका सेट कोरे गांव में है, लेकिन ये अपनी मॉर्निंग को गुड करती हैं सुबह सुबह अक्सा बीच पर अपने डॉगी के साथ वॉक करके.
सो अब हम आए हैं घूमने, दैट इज अक्सा बीच पे। यहाँ पे मैं हमेशा नॉटी को लेके घूमने आती हूँ, ताकि इसे भी बहुत सारी जगह मिलती है खेलने के लिए और मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे ओ हमारा समंदर इतना अच्छा कब से लगने लग गया। बीचेस पे जाना ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग वक्त होता है, जब यू कैन जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। और कहाँ गया नॉटी, कहाँ गया? एंड इफ़ यू हैव अ पेट, एक हफ्ते में एक बार तो बीच पे आना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना नॉटी, कम या भाई। समुंदर की ठंडी हवाओं ने सिमरन को कैसे तरोताज़ा कर दिया? दो चीज़ें, अगर मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो मुझे माउंटेन्स पसंद है, और मेरा मूड अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो मुझे बीचेस पसंद है। इसका रीज़न ये है कि जब बीच पे आते हैं तब इतनी शांति मिलती है, और हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है ही कहाँ, तो बीचेस बहुत पसंद है मुझे अभी के लिए। डॉगी के साथ भागदौड़ की, समुंदर पे सबका नाम लिखा, ठंडी हवाओं का मजा उठाया और हो गई फ्रेश। नारियल पानी, भैया एक नारियल पानी देना। सो बेसिकली नारियल पानी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर स्किन। इफ यू वॉन्ट टू रिमेन एज अ यंग हैंडसम लाइक माई डैड, तो रोज पीना चाहिए एक नारियल पानी। मैं राइम करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हुआ। समुंदर किनारे इस मॉर्निंग वॉक के बाद अब बारी है तरोताज़ा होने की, और इसके लिए नारियल पानी सबसे बेस्ट चीज़ है। दिस इज सो रिलैक्सिंग एंड रिवीलिंग। नारियल पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सेट पे भी रोज नारियल पानी पीती हूँ। नारियल पानी हो गया, लेकिन अब सिमरन को तैयार होकर अपने सेट पर जाना है, तो हम सिमरन को करते हैं गुड बाय। तो बहुत हो गई दिन की मस्ती, नारियल पानी भी खत्म हो गया, अब कुछ काम कर लिया जाए। सो चलते हैं सेट पे, कम नॉटी लेट्स गो। तो उम्मीद है सीरियल नजर की सावी के साथ पूरा दिन बिताकर आपको उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी के पीछे की रियल कहानी पता चली होगी, और पता चला होगा कि मुंबई की लड़की कितनी अलग है रियल लाइफ में। और सिमरन का ये रियल अवतार हमने दिखाया सास बहू और बेटिया में। डैड अब बस बहुत हुआ, मुझे सक्सेस चाहिए। क्या बोला? आकिब खान, मुंबई आज तक। सक्सेस चाहिए मुझे लाइफ में, कामयाबी चाहिए।